मम्मी आप कुछ खाने के लिए लाए, मुझे भूख लग रही है। पानी तो पिला दे पहले। क्यों खाना क्यों नहीं खाया? वो माला आंटी ने कुछ बनाया नहीं था। अच्छा, माला ने अच्छा खाना नहीं बनाया? हाँ, पिछले कुछ दिनों से वो कुछ अच्छा खाना बना नहीं रही है। क्या हुआ उसको? पता नहीं, कुछ बीमार से लग रही है आजकल वो। तो तुम अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना दूंगी। आ गए आप? चाय लिए? दिखने यार बना दो। अभी इनको बोल रहा था कि माला की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ? मैं सोच रही थी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं उसको कल डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। यार कर तो रही, इतना खर्चा उस पर। हाँ फिर अगर वो ठीक रहेगी तो हम सब भी ठीक रहेंगे। कैसी बात कर रहे हो यार तुम? इतनी एज होगी भी उनकी, बीमार तो होंगे, निकालो उनको घर से बाहर। हाँ पापा, मम्मी सही कह रही है, पिछले दो हफ्तों से उनकी तबीयत बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खांस रही है। सुन लिया? मैं कल उसे लेके जाऊँ। देख लो तुम। पेशेंट नंबर 24। चल माला, हमारा नंबर। पेशेंट कौन है? माला है। अच्छा बैठ जा। अच्छा तो माला, उम्र कितनी है तुम्हारी? जी 42 साल। अच्छा 42 साल है। अच्छा क्या तकलीफ है? खांसी हो रही है। खांसी हो रही है? अच्छा कितने दिनों से खांसी है इनको? डॉक्टर 2 हफ्ते से लगातार खांसी जा रही है, अब हम भी चिंता में आ चुके हैं। अच्छा खांसी हो रही है। अच्छा तो 2 हफ्तों से खांसी हो रही है, तो कैसी खांसी? मतलब सूखी खांसी है, बलगम आ रहा है, कैसी खांसी आ रही है? बलगम आ रहा है। अच्छा बलगम आ रहा है, पहले कभी हुआ है ऐसा? नहीं। अच्छा कुछ दिनों से हुआ। खून तो नहीं आ रहा? खून भी आ रहा। अच्छा खून भी आ रहा है। कितने दिनों से आ रहा है खून में? खून भी कोई 4-5 दिन से। अच्छा 4-5 दिनों से खून आ रहा है। अच्छा तो इनका हिसाब देख के मुझे ऐसा लगा है कि इनको हो सके नहीं। तो एक काम करते हैं ना, तो कुछ मैं टेस्ट लिख के दे रही हूँ, तो आपने वो करवा लेने हैं। तो एक काम करो ना, पहले सबसे पहले जाके ऊपर डॉक्टर सेंटर जाओ। पता है ना डॉक्टर सेंटर कहाँ है? डॉक्टर एक बार बता दो। हाँ तो ऊपर हॉस्पिटल में जाना है, वहाँ पे तुम्हें डॉक्टर सेंटर होगा, वहाँ पे जाना है, वहाँ पे तुम्हारे सारे टेस्ट हो जाएंगे, और ना जब रिपोर्ट आएगी तो एक बार मेरे पास जरूर से आ लेना है। ठीक है? तो एक काम करो, जाके पहले डॉक्टर सेंटर जाओ। ठीक है ठीक है। आगे तुम लोग। हाँ जी डॉक्टर, टेस्ट कर दिखाओ। माला जरा मास्क ऊपर करना, अरे नाक नाक पूरा ढको, निकालना नहीं है मास्क अब, है ना? देखो तो जैसे मैंने पिछली बार बोला था कि मुझे ऐसा शक है कि इनको टीबी है, तो रिपोर्ट के हिसाब से तो इनको टीबी हो गया। बाबा टीबी पॉजिटिव है हमारा? हाँ जी टीबी पॉजिटिव है। हमने क्या आगे होंगे डॉक्टर, बच्चे की शादी भी नहीं है अभी तक, कितने दिन बचे हैं मेरे पास? देखो ना माता जी, डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है? अभी शुरुआती दौर चल रहा है तुम्हारी बीमारी का, ठीक है? तो इतना ज्यादा डरने की कोई जरूरत नहीं, इलाज है, हम लोग करेंगे, हम यहीं पे इसलिए बैठे तुम्हारे लिए, ठीक है? अच्छा तो अब आपने क्या करना है, माला को घर ले जाना है, और वहां पे इनको एक कमरे में रखना है, और कमरे का खास ध्यान रखना है कि कमरा हवादार हो, वहां की साफ सफाई हो जानी चाहिए, और हाँ ध्यान रखना है कि इनको कोई सतह छूने नहीं देनी है, ताकि तुम लोग उसके कॉन्टेक्ट में ना आओ। पर इस चीज का भी ख्याल रखना है कि इसके कारण इनको भेदभाव महसूस नहीं होना चाहिए, ठीक है? और हाँ टीबी के दौरान मरीज बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, तो इसलिए इनके पोषण का अच्छे से ख्याल रखना है। अच्छा पोषण से मुझे ये याद आया कि भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक निक्षय योजना है, ठीक है? इस योजना के तहत क्या होता है कि जो टीबी का मरीज है उसको हर महीने 500 रुपए मिलते हैं, ताकि उनको पोषण वाला आहार मिल सके, पौष्टिक आहार मिल सके। तो एक काम करना है, एक काम करो इसको बुक करवाओ, और जितना फायदा हो सकता है वो उठाओ, 500 रुपए लो, और इनके पोषण का अच्छे से ख्याल रखना है, ठीक है? और तुम डॉक्टर सेंटर गए थे तो तुम्हें वहां पे दवाइयां दी गई है ना? जी डॉक्टर। हाँ तो एक ध्यान रखना कि वो दवाइयां टूटनी नहीं चाहिए, और उन दवाइयों का अच्छे से ख्याल रखना है, क्योंकि देखो टीबी अभी शुरुआती दौर में है, बाद में ये कैसा भी रूप, भयंकर रूप ले सकता है और मौत का कारण भी बन जाता है, इसलिए दवाइयों को बिल्कुल नहीं तोड़ना है। मुझे तुम दोनों से कोई बात है। बोल। इम्पोर्टेंट बात है, काफी। देखो ये मेरी तरफ। कल मैं माला को हॉस्पिटल लेके गई थी, और आज माला की रिपोर्ट
कलेक्ट करते समय हमें पता लगा कि वो टीबी पॉजिटिव है। क्या निकाल उसको घर से बाहर? अरे पापू हमारे साथ इतने सालों से है, हम उसे ऐसे कैसे बाहर निकाल सकते हैं? यार तुम चुप रहो, अभी बात कर रहे हैं ना हम यहाँ पे। माला आज आपका कोई काम नहीं है, आप घर जाइए ठीक है। पापा हमें उसकी हेल्प तो करनी चाहिए। क्या हेल्प कर गया तू? अरे बच्चे से क्या लड़ रहे हो? हम माला को एक अलग से कमरे में रखेंगे, माला का इलाज हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, और अब मुझे इस चीज के बारे में कुछ नहीं सुनना है, मैं माला से मिलने जा रही हूँ। अब तेरी माँ बोल के चलेगी, अब तू भी बोल ले क्या बचा। अरे पापा हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, याद है जब मम्मी का एक्सीडेंट हुआ था तो आप उनके साथ हॉस्पिटल में थे और माला आंटी ने मेरा ध्यान रखा था। यार बचा खर्चा भी तो आएगा इस इलाज का। अरे नहीं पापा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इसका फ्री इलाज है, देख लो यार। हर वर्ष हमारे देश में लाखों लोग पैसे और पोषण की कमी के कारण टीबी से हारकर अपनी जान खो देते हैं। समाज के पढ़े लिखे संपन्न एवं समृद्ध जनों का कर्तव्य है कि वह इस गंभीर बीमारी से लड़ने में अपना योगदान दें और देश को टीबी मुक्त बनाने में सरकार का साथ दें।